वहीं आरपी जी ग्रुप के सीईओ विमल केजरीवाल ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े काफी अच्छे हैं, ये इकोनॉमी के लिए मजबूत संकेत हैं। विमल केजरीवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस संवाददाता राहुल कुमार ने। जीडीपी के नंबर्स काफी रोबस्ट आए हैं, तो आने वाले दिनों में क्या आप ग्रोथ को ऐसे ही देखते हैं या फिर इस पे कोई ब्रेक लग सकता है आने वाले दिनों? देखिए, आने वाले नंबर्स में अट्ठाईस समय में ग्रोथ तो ठीक ही रहेगा, थोड़ा सा बहुत इलेक्शन का फ़र्क पड़ता है। जनरली हमने ये देखा है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो थोड़ा सा इंडस्ट्री में हर जगह पे ऑर्डर्स वगैरह तो आगे पीछे हो जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें ऑर्डर्स बहुत अच्छे आएंगे, कुछ में थोड़ा स्लो हो सकता है। गवर्नमेंट ऑर्डरिंग एक दो महीने, जब इलेक्शन के एक दो महीने पहले कम हो जाती है बट उसके पहले बढ़ती है, तो हमारी ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर काफ़ी जोर है, हमारे लिए तो ये अच्छा है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने आज ही 1010 करोड़ की डील साइन की, उसके बारे में क्या हमें बता सकते हैं कुछ? हमने आज 1010 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए हैं, उसमें करीब 50% हमारे कोर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के हैं और बाकी उसमें से सिविल, रेलवे, सिविल के हैं, केबल के हैं। सर, आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा कि आखिरी दो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में RBI ने लगातार रेपो रेट बढ़ाया, तो इससे आपके बिजनेस पर कैसा असर पड़ा है? बिज़नेस पे असर तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग वर्किंग कैपिटल में एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो हमारे इस साल का हमारी उम्मीद थी कि हम इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर पाएंगे, लेकिन अब जब RBI ने रेट बढ़ा दी है, प्लस इंटरनेशनल हमारे काफ़ी बोरिंग्स इंटरनेशनल में है जहाँ पे LIBOR रेट भी बढ़ रहा है, तो अब इससे ये हो जाएगा कि हम जो एफिशिएंसी लाना चाहते थे, जो कॉस्ट कम करना चाहते थे, वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि हमारी एफिशिएंसी हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।